जो नल कनेक्शन दे ना उसमें पानी नहीं है। ओडीएफ घोषित कर दे, अब पिए बर पानी च नहीं है तो सेप्टिक में 2 बाल्टी पानी डालना पड़ते, तब तो सफाई रही, रख रखाव सही रहे। अब पिए बर 1 लोटा पानी नहीं है तो 2 बाल्टी पानी कहाँ से उपयोग कर दे। ग्राम देवपुर में 3 वर्षा हो गया है, आज वहाँ नल जल योजना चल रहा है, पाइपलाइन बिछा हुआ है, लेकिन वहाँ के 1500 परिवार के बीच पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इधर सरकार ODF बनाने की बात कहती है, लेकिन इधर अगर गांव में पानी का सुविधा नहीं होगा तो कहाँ से इस ODF ग्राम मुक्त होगा। गाँव की आज 10 साल हो गए पानी की समस्या, शासन प्रशासन भी लगते कि ध्यान नहीं दे, ऐसे लगते है। हैंडपंप हवे नहीं गांव में, हैंडपंप है, पानी नहीं निकले, पूरा सूखा हो जाते। कुआं भी है, उमे भी सूखा है, वो देख कुआं का भी कनेक्शन है, वो सूखा है, पानी च नहीं है तो कहाँ से आए। अब जतिक दूर से आप पानी लाते हो, काका बोर ले लाते हो पानी आप? मन ये मालिक घर के बोर से लाता, नहीं कर चला धान बोआ है, रबी फसल यहाँ से धान काटे बाद वो बंद कर देती, अब कहाँ से पानी दी वो, अब चला रहते तो ला लेते। यहाँ से कतक दूर है? 3 किलोमीटर है। वहाँ से खाए बार पानी लाते हो? हाँ। पानी का समस्या कैसे चल रहा है, क्या स्थिति है? पानी यहाँ पाइपलाइन बिछा है लेकिन यहाँ पानी सस्ते जी नहीं है। तो आप क्या इसके बारे प्रयास, कैसे प्रयास करेंगे आप पानी के संबंध में? इसके लिए अब ऊपर रो कर रहे हैं, कलेक्टर के पास भी आवेदन दिए थे पानी के लिए, बड़ा टंकी बनवाने के लिए, और वो PHU विभाग के अधिकारी भी आए थे, उनको भी बताए कि सर यहाँ पानी का बहुत तंगी है, हम लोग ODF तो करा लिए हैं लेकिन क्या बोलते हैं पानी के कारण शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है। सरकार के पास आवेदन लगाएं, पंचायत के पास आवेदन लगाएं, लेकिन आज तक उन पानी की समस्या के नहीं निदान नहीं हुआ। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, SR ठाकुर 942-42-37034 अभियंता को फोन कर दबाव बनाएं। मैं संतोष झरिया, नगरी ब्लॉक, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहर्ड के लिए।